नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर वन शो ये भारत की बात है। ओके, देश की हर बात दिखाएंगे आपको, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और फिट होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर ताज्जुब करने वाली है। हुआ क्या मैं आपको बताऊंगा। मिशन 400 बनाम पार्टी बचाओ। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे, तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था। प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया, कई उद्घाटन भी किए। ये पीएम मोदी का काफिला गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी 400 पार की मेहनत में लगे हुए। विश्व के पटल पर लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, मोदी को रोकने के लिए यूपी के दो लड़के आज आगरा में मिल ही गए। इससे पहले रायबरेली में उम्मीद थी लेकिन अखिलेश यादव गए नहीं, लेकिन आज यूपी के दो लड़कों की मुलाकात हुई। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और अजय राय। लेकिन यूपी से ही एक और झटके वाली खबर आई, आपको बताऊं, मायावती के लिए। यूपी के दो लड़के मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मायावती के सांसद मायावती का साथ छोड़कर मोदी के साथ चले गए। क्यों, हुआ क्या? मोदी के साथ लंच किया था। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं, पीएम मोदी के साथ लंच किया और बीएसपी के 5 सांसद, बीएसपी छोड़ने वाले एक छोड़ चुके हैं, ये जो बैठे मोदी के साथ सांसद। मोदी के साथ संसद में लंच किया, खाना खाया, बातचीत की। लेकिन इस लंच में क्या हुआ कि बीएसपी के सांसद ने मायावती का साथ छोड़ दिया और मोदी के साथ आ गए। अगली तस्वीर उनकी दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये मोदी खड़े हैं और ये जो खड़े हैं रितेश, ये है बीएसपी के सांसद। संसद में कैंटीन में मोदी को मिले थे और उसके बाद अब मोदी के ही हो गए हैं। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, रितेश पांडे लोकसभा सांसद ने अपना इस्तीफा दिया है, बीएसपी की सदस्यता छोड़ दी है और आज बीजेपी ज्वाइन कर ली कुछ घंटे बाद। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, रितेश बीजेपी ज्वाइन करते हुए ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, उसके बाद जेपी नड्डा से मिले हैं रितेश और आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन अब सोचिए जरा कि आखिर क्या हुआ पीएम मोदी के साथ लंच टेबल पर। कुछ रोज पहले, 2 हफ्ते पहले मोदी से मिले, साथ लंच किया, मोदी ने ऐसा क्या कहा जो बीएसपी के सांसद मोदी के साथ आ गए। ये रिपोर्ट देखिए। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। 15 दिन पहले बीएसपी के सांसद ने मोदी के साथ खाना खाया और आज हाथी से उतरकर मोदी के साथ आ गए। लंच टेबल पर सांसदों से मोदी की आखिर क्या बात हुई, मोदी ने साथ बैठकर खाना खाया तो खबर है बीएसपी के अब 5 सांसद बीजेपी में आने वाले। मोदी ने लंच टेबल पर कौन सा गुरु मंत्र दिया जो मायावती के सांसद मोदी के मुरीद हो गए। बीएसपी सांसद मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं मायावती पर निशाना साध रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। अब देखिए जरा पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं, जो शुरू हुई थी लंच टेबल से। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि मोदी ने कैंटीन में लंच किया, लेकिन तब तक सिर्फ लंच किया था। ये बीएसपी के जो सांसद हैं तब तक ये छोड़कर मोदी के साथ नहीं गए थे। बजट सत्र के दौरान का वाकया है, पीएम मोदी अचानक कैंटीन में पहुंच गए और संसद भवन की कैंटीन में उस वक्त 8 सांसद मौजूद थे। लंच के दौरान बीएसपी सांसद रितेश पांडे भी वहीं बैठे हुए थे। पीएम मोदी सांसदों के साथ लंच पर बैठ गए। अब बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। रितेश पांडे ने कहा मोदी के नेतृत्व से वो बेहद प्रभावित है।
लोकसभा चुनाव से पहले मायावती के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। 2019 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से रितेश चुने गए। रितेश ने बीजेपी के मुकुट बिहारी वर्मा को हराया था। मुकुट बिहारी वर्मा राज्य सरकार में मंत्री थे और मायावती ने लोकसभा संसदीय दल का इन्हें नेता बना दिया था। रितेश ने जहां मोदी की तारीफ की तो मायावती पर हमला किया। मायावती नाराज है। लंबे समय तक पार्टी की बैठक में ना बुलाने का आरोप लगाया रितेश ने। वो कह रहे पार्टी की बैठक ही नहीं बुलाई जाती है। काफी समय से नेतृत्व के स्तर पर संवाद नहीं किया जा रहा है। मायावती और शीर्ष पदाधिकारी से मिलने के बहुत से प्रयास किए लेकिन मायावती से उनकी कोई मुलाकात नहीं हो सकी है। पत्र में लिखा ऐसा लगता है पार्टी को मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। रितेश पांडे खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिता भी अंबेडकर नगर से सांसद रह चुके हैं और 2024 में रितेश पांडे को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले और झटके लग सकते हैं। खबर है मायावती के चार और सांसद मोदी के साथ जा सकते हैं। 2019 में बीएसपी के 10 सांसद चुनाव जीते थे और उनमें से 5 मोदी के साथ। अब मायावती बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में। आज उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। मायावती अपने सांसद पर हमलावर थी। देखिए क्या कह रही है मायावती। मायावती ने कहा बीएसपी सांसद रितेश पांडे के इस्तीफे पर मायावती भड़क गई। मायावती ने एक के बाद एक कई पोस्ट कर डाले। बीएसपी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है। बीएसपी सांसदों को खुद जांचना है कि क्या क्षेत्र की जनता का ध्यान रखा है उन्होंने, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया है, क्या उन्होंने पार्टी और मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया है। क्या ऐसे अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना संभव है, खासकर तब जब वो स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं, वो निगेटिव चर्चा में हैं। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है, ये मायावती ने कहा। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रितेश पांडे, जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है, मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए, जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। रितेश पांडे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोकसभा के अंबेडकर नगर से सांसद हैं। रितेश पांडे जी ने तय किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, देश के लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान आज माननीय मोदी जी को अपना नेता मानते हुए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं रितेश पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत हो रही क्योंकि मायावती के सांसद जो जीते हुए हैं वो आ गए। मोदी को रोकने के लिए आज देख रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ थे, प्रियंका वाड्रा भी थी। आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, आगरा में राहुल की न्याय यात्रा पहुंची, राहुल के हाथ में गदा आप देख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा मोबाइल से तस्वीरें बना रही हैं। इससे पहले रायबरेली की खबर थी कि अखिलेश रायबरेली में मिलेंगे लेकिन अखिलेश नहीं गए क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। अब सीटों का बंटवारा हो गया तो अखिलेश आगरा में पहुंच गए। लेकिन क्या मैं उदाहरण के साथ आपको बताने जा रहा हूं, क्या अखिलेश और राहुल के साथ आने के बाद भी उत्तर प्रदेश में ही मोदी को रोकना आसान है, मोदी को और कम सीटों पर रोक पाएंगे? पहला उदाहरण मैं आपको दूं, 7 साल बाद यूपी के 2 लड़के फिर साथ हैं। अखिलेश राहुल आज एक साथ एक मंच पर थे, आगरा में प्रियंका भी इसी दौरान मंच पर थी और यूपी की 80 में से 17 सीटें लड़ रहे हैं राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी, 63 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। क्या यूपी के लड़के मोदी योगी को रोक पाएंगे? उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ 3। पहला उदाहरण है अमेठी। अमेठी में समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, उसके बाद भी राहुल गांधी अमेठी से हार गए। वोट देखिए जरा, स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, राहुल गांधी को 4,13,394, लगभग 50,55,000 से कांग्रेस हार गई। जहां समाजवादी का वोट भी इनको मिला था वहां भी हार गए। 55,000 से ज्यादा वोटों से स्मृति चुनाव जीत गई, यहां
अमेठी से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया था, ऐसे में गठबंधन होने से भी सीट पर असर नहीं दिखा। अगला उदाहरण आप देखिए, वो कांग्रेस की सीट हो गई, अब जरा सपा की सीट देख लीजिए। सपा की सीट कन्नौज, डिंपल यादव यहां से सांसद रह चुकी है, यहां भी बीजेपी जीत गई। यहां से कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा था क्योंकि डिंपल यादव थी। वहां देखिए 5,63,000 वोट सुब्रत पाठक बीजेपी के कैंडिडेट को मिले, डिंपल यादव को 5,50,000। 2019 लोकसभा चुनाव था, 19 में डिंपल यादव हार गई। ये बताता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ना उतारने पर भी समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई। सुब्रत पाठक 12,000 वोट से चुनाव जीत गए। इसी सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, ऐसे में इस सीट पर भी गठबंधन से फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, जहां दोनों लड़े, यानी कांग्रेस और सपा दोनों लड़े, दोनों का वोट जोड़ दीजिए फिर भी हार जाएंगे। यह है सीट इटावा, समाजवादी पार्टी का गढ़। रामशंकर कठेरिया बीजेपी के कैंडिडेट जीते, जो अखिलेश का गढ़ कहा जाता है, इटावा सैफई है जहां 5,22,000 वोट मिले बीजेपी को। कमलेश कठेरिया को 4,57,000 समाजवादी पार्टी को वोट देख लिया। अब कांग्रेस बताऊंगा मैं आपको, मुलायम परिवार की सीट इटावा भी समाजवादी पार्टी हार गई। बीजेपी ने 64,000 से ज्यादा वोट से यह सीट जीती थी, तब कांग्रेस को 16,000 मिले थे, वो 16 इसमें जोड़ दीजिए और ये जीते थे 64 से, 16 जोड़ देंगे तब भी नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस एसपी के वोट जोड़ देने पर भी बीजेपी से कम थे, बीजेपी को कांग्रेस एसपी से 48,000 से ज्यादा वोट मिले। अब ये बताता है कि ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा यूपी में। सुनिए जरा, अखिलेश और राहुल मिले तो क्या कहा उन्होंने, उनको जवाब दे रहे हैं उनके पुराने साथी जयंत चौधरी, सुनिए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। राहुल गांधी पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, किस तरह से देख रहे हैं उनकी यात्रा को? मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को, यही कहूंगा मैं। पहले तीन लड़के साथ हुआ, बाकी यहाँ आगरा मथुरा में ना कह दें कि यहाँ भी सब शराबी हैं। और दिलचस्प बात यह कि अमेठी राहुल गांधी हार चुके हैं और अब बीजेपी की तैयारी उन्हें हर हाल में रायबरेली भी हराने। अभी कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, सोनिया गांधी सांसद है रायबरेली से, बीजेपी की तैयारी है वो रायबरेली भी हार जाए। ये आप देख रहे हैं रायबरेली की तस्वीरें, जहां स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ एक साथ पहुंचे थे। रायबरेली में बीजेपी मेहनत से काम कर रही है कि आखिरी किला और आखिरी गढ़ बचा है कांग्रेस का रायबरेली, वहां भी शिकस्त देना है। स्मृति ईरानी वहां पहुंची, क्या कहनी, सुनिए। ये मंच कामदारों का है और कामदारों के मंच से भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं निश्चित रूप से कह रही हूं कि इस बार रायबरेली में भी वो होगा जो 30 में अमेठी में हुआ। विनम्रता के भाव से कह रही हूं क्योंकि जनता चाहती थी कि विकास हो, आज मैं जनप्रतिनिधि के नाते इस बात की साक्षी हूं कि अमेठी में पहली बार भाजपा रायता उतरा जब मोदी प्रधानमंत्री बने, योगी मुख्यमंत्री बने। तो यूपी के लड़के क्या मोदी को यूपी में रोक पाएंगे? दूसरी तरफ यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मोदी को दिल्ली में रोकने की तैयारी। अखिलेश और राहुल, केजरीवाल और राहुल भी साथ आ गए। केजरीवाल ने आज बड़ा दावा किया। केजरीवाल का दावा यह है कि दिल्ली में 7 की 7 सीटें हम ही जीतने वाले हैं। दिल्ली में आप कांग्रेस सीटों में समझौता हो गया है, 7 सीटों पर 7 मिलकर बीजेपी को टक्कर देंगे। गठबंधन के बाद सीएम केजरीवाल ने पोस्ट किया,
दिल्ली की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। हम दिल्ली वालों के विकास और तरक्की का काम करते हैं, बीजेपी वाले दिल्ली को बर्बाद करने में लगे हैं, दिल्ली वालों को दुखी करने में लगे रहते हैं। मारने वाले से राहत देने वाला बड़ा होता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने गठबंधन पर सवाल उठाए, बीजेपी कह रही केजरीवाल और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा, बीजेपी ने सभी 7 सीटें फिर से जीतने का दावा किया है। मैं आपको बताऊं क्या यह संभव है, मैं आपको बताने जा रहा हूं पूरे आंकड़ों के साथ, 2019 का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली का, एक एक सीट पर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल और राहुल मिल भी जाएं तब भी दिल्ली की 7 सीटों पर मोदी को नहीं हरा सकते। ये आंकड़े कह रहे हैं, ये हवा हवाई बातें नहीं है। देखिए जरा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आपके सामने सीधे आंकड़े, एक एक सीट पर बात करेंगे। दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट है, उसमें बीजेपी को मिले थे 5 लाख से ज्यादा वोट। कितने? 5 लाख से ज्यादा। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस को मिले 2,47,000 और आम आदमी पार्टी को मिले 1,50,000। दोनों को जोड़ दीजिए, कुल वोट ऊपर लिखा है देखिए, 3,98,000 हो रहा है नई दिल्ली सीट पर, 3,98,000 से ज्यादा ये नंबर है। तो नई दिल्ली सीट जीतना भी मुश्किल है। दूसरा देखिए जरा, ये आ गई पूर्वी दिल्ली सीट यानी ईस्ट दिल्ली। पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी को मिले 6,96,000 वोट, कांग्रेस को 3,04,000, आम आदमी पार्टी को 2,19,000। इनको जोड़ दीजिए ऊपर, 5,24,000 वोट मिले पूर्वी दिल्ली पर बीजेपी को, 6,96,000 यानी ये सीट भी 19 के हिसाब से बीजेपी जीत रही। अगली सीट पश्चिमी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली सीट, बीजेपी को मिले 8,65,648 वोट, कांग्रेस को 2,51,000, आम आदमी पार्टी को 2,87,000। इसको भी जोड़ दीजिए तो हो जाता है 5,39,000 वोट, 5,39 यहां 8,65, यह भी बीजेपी जीत रही है। अगली सीट देखिए, चौथी सीट दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली सीट, बीजेपी को मिले 6,87,000 वोट यहां से, कांग्रेस को मिले 1,64,000, आम आदमी पार्टी को मिले 3,19,000। इसका जोड़ आ रहा है 4,84,000, बीजेपी के 6,87,000, यह भी बीजेपी जीत रही है। अगली सीट देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है लोकसभा की, उसमें बीजेपी को मिले 7,87,000 से ज्यादा वोट, कांग्रेस को मिले 4,21,000, आम आदमी पार्टी को 1,90,000 से ज्यादा वोट। इसे जोड़ दीजिए तो हो रहा है 6,12,553 वोट, और उसके बाद भी बीजेपी का यहां वोट कहीं ज्यादा है, यह सीट भी बीजेपी जीत रही है। अगली सीट देखिए जरा, उत्तर पश्चिम सीट, 7 सीट में दिखा रहा हूं, 7 सीट मिलकर भी लड़ेंगे तो मोदी को नहीं हरा पाएंगे, 2019 के आंकड़े यही कह रहे हैं। इस सीट पर देखिए जरा, 8,48,630 वोट बीजेपी को पड़े, 2,36,882 कांग्रेस को, 2,94,766 आम आदमी पार्टी को। जोड़ दीजिए 5,31,648 और ये 8,48,000, यहां भी बीजेपी आगे है इनसे। आखिरी सीट चांदनी चौक सीट, चांदनी चौक की सीट से 5,19,000 वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस को 2,90,910, आम आदमी पार्टी को 1,44,551 और कुल जोड़ दीजिए तो 4,35,461। जोड़कर भी बीजेपी को हराने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये 7 की 7 सीट का आंकड़ा है, इसीलिए मोदी कॉन्फिडेंट है। उन्हें पता है कि जब मोदी आते हैं बैटिंग करने लोकसभा के लिए और जब चुनाव मोदी के लिए होता है, मोदी के नाम पर होता है, तो विरोधी हवा हो जाते हैं। सुनिए, मोदी भ्रष्टाचार पर लगातार घेर रहे हैं विरोधियों को। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। 2014 से पहले के 10 सालों में भारत को ये सिर्फ 11वें नंबर की इकोनॉमी बना पाए। कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई,
कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अद्भुत भी है, डराने वाली खबर भी है। बिना ड्राइवर के 78 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ गई। ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं थी, ये सामान्य ट्रेन थी। देख रहे हैं, ड्राइवर नहीं है ट्रेन में, दौड़े जा रही है और 78 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ गई। देखिए जरा, ट्रेन की रफ्तार देखिए, आपको अंदाजा होगा। सब खबर यह है कि 78 किलोमीटर बिना ड्राइवर के दौड़ रही थी ट्रेन, में ड्राइवर नहीं था, बड़ा हादसा भी हो सकता था, सामने से कोई ट्रेन आ सकती थी, पैसेंजर ट्रेन। ये तस्वीरें डरा देने वाली है, बताऊंगा कैसे हुआ, इस पर क्या एक्शन हुआ। लेकिन देखिए अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये है वो ट्रेन, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे तक दौड़ती रही 78 किलोमीटर, और उसके बाद इस ट्रेन को रोका गया जैसे तैसे। पहले आपको बताऊं कि आखिर ये हुआ कैसे, कहां थे ड्राइवर साहब, क्या करने चले गए थे आखिर कि ट्रेन निकल गई, ड्राइवर साहब का पता नहीं। देखिए हुआ क्या हुआ, दरअसल ये ट्रेन दौड़ रही है, ड्राइवर को एक ट्रेन बिना ड्राइवर के 2 घंटे तक, रविवार को एक ट्रेन 2 घंटे बिना ड्राइवर दौड़ती रही। जानकारी के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया कि ट्रेन में ड्राइवर नहीं है। जम्मू के कठुआ में ड्राइवर ने ट्रेन रोकी। हुआ यह कि जम्मू के कठुआ में ट्रेन रोकी, ट्रेन रोककर ड्राइवर साहब निकल गए चाय पीने। इसी दौरान ट्रेन अचानक चल दी। कठुआ में ट्रेन में कंक्रीट लोड किया जा रहा था और ड्राइवर ने ट्रेन का इंजन चालू रखा था। उतरने से पहले ड्राइवर साहब हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, जिसके चलते ट्रेन अचानक ट्रैक पर ही दौड़ने लगी। तुरंत ड्राइवर ने तुरंत घटना की जानकारी अधिकारियों को दी कि भाई ट्रेन निकल गई, हम चाय पीते रह गए। तब तक ट्रेन 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। सोचिए, ट्रेन को कई स्टेशन पर रोकने की कोशिश की गई, पठानकोट कैंट, बंगला, मुकेरिया में रोकने की कोशिश हुई और लकड़ी के स्टॉपर लगाए गए, उसके बाद उससे रुकी है ये ट्रेन। लेकिन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती रही, बार बार स्टॉपर लगाने से ट्रेन की रफ्तार कम हो गई। होशियारपुर के ऊंची बस्ती रेलवे स्टेशन पर इस पर स्टॉपर लगे थे, वहां ट्रेन को रोकने में सफलता मिली। तब तक ट्रेन 78 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुकी थी। सोचिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुस्से में हैं, उन्होंने घटना के फौरन जांच के आदेश दिए हैं। सुरक्षा चूक हुई, इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, सुरक्षा के सख्त प्रोटोकॉल लागू करने को कहा गया है, ट्रेन ब्रेक सिग्नल सिस्टम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं फौरन। अब देखिए जरा, सोचिए 78 किलोमीटर बिना ड्राइवर के ट्रेन चल रही है, कैसे रुकेगी। लकड़ी के ब्लॉक्स लगाए गए जिससे इसकी रफ्तार कम हुई। ये जो आप देख रहे हैं ट्रेन के नीचे ये ब्लॉक देख रहे हैं, ये ब्लॉक लगाए गए, ट्रेन जब ट्रैक पर यहां पहुंची तो उसके बाद ट्रेन की रफ्तार कम हुई। कई जगह कोशिश की गई, आखिरकार इन्हीं ब्लॉक से यह ट्रेन रोकी जा सकी है। तो एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। खबरों में आगे बढ़ते, आज की एक और बड़ी खबर है जहां हादसा हो गया। योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा था और उसी दौरान एक हादसा हुआ। आपको बताऊंगा कि कैसे यह हादसा हुआ, योगी आदित्यनाथ के काफिले वाला काफिले में हादसा हुआ और योगी बाल बाल बचे। हुआ ये, दरअसल ये देख रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ का काफिला है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे कल, आपको पता होगा दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली से वापस लखनऊ गए और लखनऊ से उनका काफिला निकला था। अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये है वो गाड़ी, ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी का हादसा हुआ, हादसे का शिकार हुई है। देख रहे हैं आगे गाड़ी, देखिए लाइट टूट गई है गाड़ी की, आगे जो काफिले में गाड़ी चल रही थी वो हादसे का शिकार हुई। कई गाड़ियां हैं, देखिए ये योगी आदित्यनाथ के काफिले में शामिल गाड़ी थी जिनका एक्सीडेंट हुआ है। अब सोचिए, एक्सीडेंट का अंदाजा इस बात से लगाइए कि लखनऊ में एक्सीडेंट हुआ और मौके पर देखिए फौरन मुख्यमंत्री का काफिला था तो कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार मौके पर मौजूद थे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। आपको बताऊं, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। योगी आदित्यनाथ
जो लोग घायल हैं, जो पुलिस वाले काफिले में चल रहे थे वो घायल हैं, उन्हें देखने के लिए अस्पताल पहुंचे योगी, देख रहे हैं, पुलिस कर्मियों से मिल रहे हैं योगी, उनसे हाल चाल जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनकी स्थिति के बारे में, योगी ने हाल चाल जाना। ये लोहिया अस्पताल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, योगी एक एक बिस्तर पर जाकर मिले। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद योगी किंग जॉर्ज पहुंचे मेडिकल कॉलेज, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां जो लोग एडमिट थे उनसे योगी मिले, उनसे हाल चाल जाना। अब आइए आपको बताता हूं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, योगी आदित्यनाथ कहां मौजूद थे, कौन सी गाड़ी में थे और योगी आदित्यनाथ कैसे बचे। ये वो गाड़ियां आप देख रहे हैं जो हादसे का शिकार हुई। लखनऊ में योगी के काफिले हादसे का शिकार हुआ और सीएम के काफिले के आगे ये गाड़ियां चल रही थी। 6 पुलिसकर्मी समेत 14 घायल हो गए हैं और 2 की मौत हो गई। 14 पुलिस वाले घायल हैं, 2 की मौत हुई है। हादसे में सीएम योगी और उनकी कार बाल बाल बची। दरअसल सीएम योगी कल रात दिल्ली से लौट रहे थे, एयरपोर्ट से उनका काफिला सीएम आवास के लिए निकला, जिसके बाद काफिले को एस्कॉर्ट कर रही एक कार अचानक बेकाबू हो गई। मतलब काफिले के आगे चल रही कार हादसे का शिकार हो गई और सीएम के काफिले के आगे जिला पुलिस की गाड़ी होती है सिक्योरिटी के लिए, काफिले से 1 किलोमीटर आगे चलती है एक एंटी डेमो कार चलती है। ये एंटी डेमो कार थी, किसी तरह का प्रदर्शन हो रहा हो तो ये कार उसे रोकती है। एंटी डेमो कार सीएम के काफिले को क्लियरेंस देती है, यानी आगे से गाड़ियां हटाते हुए चलती है। यही कार सड़क पर मरे जानवर से टकरा गई और सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार इसकी चपेट में आ गई। फौरन योगी के काफिले के साथ हादसे की खबर से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री का काफिला था, गृह सचिव डीजीपी समेत आला अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच गए। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए सीएम योगी के काफिले को रोका नहीं गया। उस वक्त सीएम योगी आज घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई लोहिया अस्पताल और केजीएमयू। योगी ने सभी घायलों के अच्छे इलाज का निर्देश दिया है और मृतक परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इस हादसे के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, उससे पहले जरा सुनिए जेसीपी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उपेंद्र अग्रवाल को। बताया जा रहा है, जो स्थानीय पूछताछ से समझ में आया कि वहाँ सड़क पर कोई कुत्ता है जो अचानक से रास्ते पे आया है, या उसकी बॉडी पहले से पड़ी थी ये अभी क्लियर नहीं है। इंटरसेप्टर गाड़ी उसको क्रॉस करती है, इंटरसेप्टर द्वारा पीछे की गाड़ियों को भी बताया जाता है, बट इंटरसेप्टर के जस्ट पीछे एंटी डेमो की गाड़ी थी जो सूमो गाड़ी है, ये उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसका एक टायर जो है उसके ऊपर आता है, जिसके कारण गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और सड़क के दाहिनी ओर मुड़ करके वहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ और पब्लिक के जो लोग थे उनको चपेट में ले लेती है, जिस क्रम में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और इंजर्ड और जो स्थिति जो हम लोगों को अभी जानकारी मिली है, 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, इसके अलावा लगभग 6 जो हैं सिविलियन, इनको भी बताया गया कि घायल हुए हैं। टोटल 11 की जानकारी मिली है और उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया, इलाज उनका चल रहा है और इनका जो डिटेल्स होगा और भी जो घटनाक्रम जैसे जैसे जानकारी में आएगा आप लोगों के साथ शेयर। जैसे ही योगी आदित्यनाथ के काफिले की हादसे की खबर आई, सियासतदान सियासत करने लगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा, अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस हादसे पर तंज कसा, कहा पशुओं की समस्या को सीएम गंभीरता से नहीं ले रहे, इसलिए आज खुद सीएम का काफिला हादसे का शिकार हुआ। जब लोगों की खुद अपने जीवन पर बनाती है तब पता चलता है कि झूठ बोलना कितना महंगा पड़ सकता है। उम्मीद है कि अब बीजेपी सरकार की आंख खुल गई होगी, जिंदगी के सवाल पर जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश का खतरनाक सत्य है, ये लोगों के जीवन का प्रश्न है, बीजेपी उस हादसे से सबक ले। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी। अखिलेश यादव हमेशा से अपनी बचकानी हरकतों के लिए जाने जाते रहे, जो व्यक्ति खुद से मेहनत करके आता है उसको पता होता है दुख दर्द लोगों की समस्याओं का समाधान। मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंप दी। मैं कह सकता हूँ विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए, फिर निर्णय लेकर के वापस किए और जब सरकार में रहे तो 5 साल वीडियो गेम, टैबलेट पे और मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिता दिए। आज वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। अब मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है, जो लाव लश्कर है, वो बहुत बड़ा होता है। जो कॉन्वॉय है देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का लाव लश्कर है, बहुत सी गाड़ियां चलती, 1 दर्जन से गाड़ी
ज्यादा गाड़ियां मुख्यमंत्री के काफिले में होती है। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं आगे पीछे एम्बुलेंस चलती है, कई कई गाड़ियां चलती हैं, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। आज मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा पीएम के काफिले के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, आज सीएम के काफिले के बारे में आपको बता रहा हूं, योगी का काफिला कैसा होता। सीएम योगी के काफिले यानी फ्लीट में 14 गाड़ियां चलती हैं, 14 शहर में आते जाते 7 और गाड़ियां आगे पीछे होती हैं। इस तरह योगी के काफिले में कुल 21 गाड़ियां रहती हैं। इस काफिले में एक से बढ़कर एक लग्जरी सरकारी गाड़ियां होती हैं। ये आप देख रहे हैं मर्सिडीज बेंज, योगी सबसे ज्यादा इसी गाड़ी में सफर करते हैं। ये मर्सिडीज बेंज की GLS 350D सीरीज की कार है और ये 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। मतलब योगी के एक्शन की तरह ही तेज चलती है ये गाड़ी भी। योगी की पसंदीदा कार में सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं उनके लिए। ये हाईटेक बम और बुलेट प्रूफ बनाई गई है गाड़ी। इस लग्जरी गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगली है टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर भारत में नेताओं की पसंदीदा कार है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ को भी ये कार बहुत पसंद है और लखनऊ से बाहर वो अक्सर इस कार में देखे जाते हैं। उनके काफिले में कई फॉर्च्यूनर गाड़ियां रहती हैं। इस ऊंची कार की कीमत है 32 से 50 लाख रुपए। अगली गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर। कभी कभी वो इस गाड़ी में टोयोटा लैंड क्रूजर में भी दिख जाते हैं। इस मजबूत लग्जरी गाड़ी की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जाती है। टोयोटा इनोवा, इनोवा कार भी योगी के काफिले की शान बढ़ाती है। इनोवा कार 19 से 28 लाख रुपए कीमत में मिलती है। टाटा सफारी, योगी आपको याद होगा जब योगी गोरखपुर में हुआ करते थे तो इसी गाड़ी से चलते थे। टाटा सफारी, पुरानी टाटा सफारी उनकी पसंदीदा कार हुआ करती थी। अब वो मर्सिडीज और टोयोटा कार में चलते हैं और उनके काफिले में कई टाटा सफारी हैं। टाटा सफारी कार के दाम 16 से 28 लाख रुपए के दरमियान होते हैं। तो ये है योगी का काफिला। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। योगी ने अब पूरी तरह से टाइट करने की तैयारी है कि पेपर लीक माफिया, नकल माफिया ना घर के रहेंगे ना घाट के। नकल माफिया को अब योगी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इस पर बोला है और योगी ने कहा है ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं, जो नकल कराने में अरेस्ट हुए हैं, या एक शख्स और। अगली तस्वीर दिखाऊं, लोगों में खुशी है, छात्रों में खुशी है, वो खुश हैं कि एक्शन लिया गया। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो भी पेपर लीक कर रहा है या जो जिसने भी पेपर लीक किया है वो ना घर का रहेगा और ना घाट का। सुनिए, अब वे ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। पेपर लीक को लेकर सीएम योगी बेहद गुस्से में हैं। अपराध माफिया की तरह योगी ने नकल माफिया को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। योगी ने UPSTF को कड़े निर्देश दिए, पेपर लीक का कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। सीएम योगी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी ने जैसे ही पेपर रद्द करने का ऐलान किया युवा जश्न मनाने लगे। जाहिर है योगी अब नकल माफिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने वो उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। अब देखिए जरा कौन धरा गया है, कौन पकड़ा गया है जिसने पेपर लीक से सीधे रिश्ते सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया ये बख्शे नहीं जाएंगे, बुलडोजर भी चलेगा और इनकी संपत्ति पर भी जब्ती होगी। उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई। पेपर लीक के दावों के बीच योगी ने परीक्षा रद्द कर दी। योगी ने कहा पेपर लीक युवाओं के साथ अन्याय है, यह राष्ट्रीय पाप है, दोषियों को कठोरतम सजा देंगे। UPSTF मामले की जांच कर रही है। UPSTF अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बलिया से नीरज यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है।
18 फरवरी को नीरज यादव ने लखनऊ में एक अभ्यर्थी को उत्तर भेजे। नीरज यादव ने अमन नाम के अभ्यर्थी के व्हाट्सएप पर उत्तर भेजे। एसटीएफ की पूछताछ में नीरज ने उपाध्याय नाम के एक शख्स का जिक्र किया। नीरज ने बताया कि मथुरा के उपाध्याय ने उसे पेपर के उत्तर भेजे थे। उपाध्याय कौन है, उसका पता क्या है, नीरज को इसकी जानकारी नहीं। एसटीएफ अब मथुरा के उपाध्याय की जानकारी जुटा रही है। उपाध्याय को ही पेपर लीक का मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एसटीएफ ने नीरज यादव को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने नीरज यादव को जेल भेज दिया है और अब दावा है कि नीरज यादव पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। काफी वक्त से नीरज की नौकरी नहीं थी। पिछले कुछ सालों से नीरज पेपर लीक गैंग से जुड़ गया। सुनिए जरा, सियासत भी खूब हो रही। जयंत चौधरी, जिन्होंने एनडीए में आने के सिग्नल दे दिए, वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को सुनिए, दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं। आज जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए, उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी सीबीआई जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली है और ये जानबूझकर सब चीजें की जा रही हैं। नौजवानों ने बहुत बड़े स्तर पे जो कमियां थी उनको उजागर किया और जो धांधलियां अनियमितताएं थी उनको उन पे प्रकाश डाला और सरकार ने उनकी बात को माना। यही लोकतंत्र में होना चाहिए। संवेदनशील सरकारों को इसी तरह से फैसले लेने चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं जल्द इन चीजों का निस्तारण हो और दोबारा जो है प्रक्रिया को चालू। 18 पेपर लीक की सरकार है। अब लोक सेवा आयोग को लीक सेवा आयोग कह दें ज्यादा बेहतर है। आपकी सरकार किसी भी परीक्षा को कराने में सक्षम नहीं है, तो क्यों ना ऐसा माना जाए कि आप लोगों को रोजगार ही नहीं देना चाहते। सरकार को दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र तरह तरह से रचते हैं। पारदर्शिता ही सरकार की पहचान है। 5.5 लाख नौकरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, पिछली सरकार ने, एक भी पे उंगली नहीं उठी है। मेधा शक्ति का कहीं भी अपमान नहीं हो सकता। अब वो छात्र, लगभग 50 लाख से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया। अब बताता हूं मैं आपको कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, कैसे लीक हो गया पेपर। खबर मिल रही है कि पुलिस भर्ती का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, यानी जिस जगह पेपर की छपाई हुई वहां से लीक हो गया। आशंका है नकल माफिया ने वहां पहले से सेटिंग कर रखी थी। प्रिंटिंग के दौरान ही पेपर के प्रश्नों को नोट किया गया, फिर सॉल्वर गैंग ने प्रश्नों के सही उत्तर लिख कर दिए, फिर नकल माफिया ने पेपर के उत्तर लीक कर दिए। बिहार के एक अभ्यर्थी अमन के पास एक पर्ची बरामद हुई है। उस पर्ची में 150 में से 147 प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए थे। परीक्षा के एक घंटे पहले कई अभ्यर्थियों को उत्तर मिल गए थे। कई लोगों को लाखों रुपए में उत्तर उपलब्ध कराए गए। दावा है कि नकल माफिया ने हजारों लोगों से डील की थी, लोगों को व्हाट्सएप पर उत्तर उपलब्ध कराए गए। नकल माफिया ने इससे करोड़ों की कमाई की है और ऐसे कमाई करने वालों पर योगी अब सख्ती से एक्शन लेने की तैयारी में। जिस तरह भू माफिया और उत्तर प्रदेश में हर तरह के माफियाओं का सफाया हो गया, वैसे ही अब नकल माफियाओं के सफाई की तैयारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं बंगाल। संदेश खाली, खबर यह है कि शाहजहां शेख जो भागा भागा फिर रहा है, खबर है कि लंदन जा सकता है शाहजहां शेख। यह शाहजहां की एक तस्वीर वायरल है। बताया गया शाहजहां ने इस तस्वीर को वायरल किया है। शाहजहां शेख नजर आ रहा है, देख रहे हैं, हरे पैजामे और सफेद बनियान में। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं शाहजहां शेख की, एक और तस्वीर वायरल है। यह तस्वीर उस दौर की है। शाहजहां शेख को आप देख रहे हैं, बुलेट चला रहा है, सफेद कुर्ता पहने हुए है। यह है शाहजहां शेख। खबर यह मिल रही है कि यह शाहजहां शेख जिसे पुलिस ढूंढ रही है या ढूंढने का नाटक कर रही है, कोई नहीं जानता, यह लंदन भाग सकता है। ममता बनर्जी इस दौरान घिर गई है, तो ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख से किनारा कर लिया। शाहजहां शेख कहां है किसी को नहीं पता, और शाहजहां शेख पिछले 5 जनवरी से लापता है। संदेश खाली में ईडी के छापे के बाद से यह फरार है। गैंगरेप मामले में भी शाहजहां शेख की तलाश हो रही है। आशंका है कि शाहजहां शेख विदेश भाग गया है। खबर है कि शाहजहां शेख लंदन भाग गया होगा। हालांकि इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन ईडी ने यह शंका जाहिर की है कि यह आदमी लंदन भाग सकता है। ईडी ने कोर्ट में कहा शाहजहां लंदन भागने की फिराक में है, उसे अग्रिम जमानत मिली तो वो लंदन भाग जाएगा।
क्योंकि शाहजहां शेख बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। उसने 15 मिनट में हजारों लोग इकट्ठा कर लिए थे, 3000 लोग। 5 जनवरी को ईडी और केंद्रीय फोर्स पर हमले कराए इसने। पहले खबर थी कि शाहजहां बांग्लादेश भाग गया है, चर्चा की वजह उसका बांग्लादेशी होना बताया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में ज्यादातर लोग उसे बांग्लादेशी मानते हैं। इस बीच खबर यह है कि ममता बनर्जी ने एक्शन लिया है। ममता बनर्जी बैकफुट पर चल रही है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बाद ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगे, ऐसे में ममता ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। शाहजहां के परिवार से ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है। टीएमसी के ने शाहजहां के भाई को पद से हटा दिया है। पार्टी ने सिराजुद्दीन शेख को पद से हटाया है, जो कि शाहजहां का भाई है। सिराजुद्दीन तृणमूल क्षेत्र के अध्यक्ष होते थे और इस बात की पुष्टि ममता के मंत्री ने भी की। पार्थ भौमिक ने कहा वो पहले अध्यक्ष होते थे लेकिन अब अजीत मैती ने उसकी जगह ले ली है, लेकिन कब हटाया गया इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। वैसे संदेश खाली में सिराजुद्दीन पर भी गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि सिराजुद्दीन भी जमीन पर कब्जा करता था। इस बीच सिराजुद्दीन के काफिले के खिलाफ भी कई शिकायतें मिली। पिछले हफ्ते महिलाओं ने उसके गोदाम को भी जला दिया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, जो लगातार कई बार पहुंचे संदेश खाली ममता के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए शुभेंदु अधिकारी को सुनिए। बहुत सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन। बहुत सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए शाहजहां। सीबीआई एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड हैपन। संदेश खाली में वैसे तो किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन देखिए ममता के मंत्री पहुंचे थे संदेश खाली। बीजेपी का पहुंचे, कांग्रेस का पहुंचे या फिर किसी और पार्टी का, लेफ्ट का पहुंचे तो संदेश खाली में नहीं जाने दिया जाता, लेकिन ममता के मंत्री संदेश खाली पहुंचे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। आज पहुंची फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, यानी वो कमेटी जो जानने के लिए पहुंची थी कि आखिर क्या हुआ संदेश खाली में, उसे भी नहीं जाने दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। उस टीम को रोक लिया पुलिस ने, वो टीम वहीं धरने पर बैठ गई और उसके बाद उस टीम को भी उठा लिया। अगली तस्वीर देखिए जरा। इस टीम को उठा लिया, इस बस में भरा है और टीम को भी डिटेन कर लिया। लगभग 2 घंटे तक टीम को बिठा कर रखा है। तो सवाल यह है कि आखिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से भी डर किस बात का है? संदेश खाली अब तक उबर नहीं पाया है। संदेश खाली में 1250 शिकायतें मिल चुकी हैं, बड़ी संख्या में यौन उत्पीड़न की शिकायतें। इनमें 400 मामले केवल जमीन पर कब्जे के हैं। अकेले शनिवार को 70 से ज्यादा शिकायतें मिली। अनुसूचित जनजाति आयोग को 50 शिकायतें मिली। ऐसे में संदेश खाली का यह मामला बढ़ता जा रहा है। ममता की पुलिस इस मामले को दबाने में लगी हुई है। आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रोक दिया गया। सिविल सोसाइटी की टीम संदेश खाली जा रही थी लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया, गिरफ्तार कर लिया। टीम के सदस्यों को पुलिस ने कई घंटे बाद रिहा किया। फैक्ट फाइंडिंग टीम में कई जाने माने लोग शामिल थे, जिसमें पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति एलएन रेड्डी भी थे। इस टीम में पूर्व आईपीएस राजपाल सिंह, महिला आयोग की पूर्व सदस्य चारू वली खान, 2 सीनियर वकील और 1 पत्रकार भी इस टीम में थे। संदेश खाली में अब तक कई टीमें दौरा कर चुकी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी जा चुका है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दौरा कर चुका है, राष्ट्रीय महिला आयोग भी वहां पहुंच चुका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी गया। इन टीमों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी लेकिन संदेश खाली का सच इन तक पहुंचा और इन्होंने राष्ट्रपति तक पहुंचाया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं टीएमसी के नेता और बीजेपी नेता। वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहां थे ये लोग यूपी में, कहां थे ये लोग एमपी में, कहां थे गुजरात में, कहां थे असम में, कहां थे मणिपुर में? ये भाजपा का पार्टी कैडर्स है, कंट्रोल्ड बाई भाजपा। वो लोग आ रहे हैं ओनली टू मैलाइन तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट। अगर ममता दीदी से नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को बताएं, केंद्र पूरी तरह से राज्य को जो है सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत है, सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर जो है कि समुद्र देशों से, वो सोमालिया का समुद्र देशों से हम लोग अगर कोई जहाज को क्या है चंद घंटों में अगर खाली करा सकते हैं तो ये शेख शाहजहां जैसा ये तो एक मामूली सा विषय है। अगर केंद्र के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो 1 घंटे में शेख शाहजहां कहाँ है उसको निकलने का ताकत केंद्र में है।
पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में थे और कृष्ण की खोज में पीएम मोदी द्वारका पहुंचे। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है जो द्वारका में नजर आया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं मोर पंख के साथ। कृष्ण जी का ताल्लुक मोर पंख से है, तो पीएम मोदी द्वारका पहुंचे तो उनके हाथ में मोर पंख था। अगली तस्वीर दिखाऊं आपको। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं ध्यान लगाते हुए द्वारका में, देख रहे हैं समंदर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान भी लगाया। आइए अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं पीएम मोदी के हाथ में मोर पंख है, जिस वक्त ध्यान लगा रहे हैं साधना कर रहे हैं उस वक्त हाथ में मोर पंख है। उसके बाद देखिए उस मोर पंख को वहीं पीएम मोदी ने रख दिया है, समर्पित कर दिया कृष्ण जी को। मोदी गुजरात में है, नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर है। आज मोदी कृष्ण भगवान के द्वार पहुंचे और समंदर में डुबकी लगाकर द्वारका नगरी में पहुंचे, जहां नरेंद्र मोदी ने द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने भगवान कृष्ण को मोर का पंख भी अर्पित किया है। मान्यता यह है कि भगवान कृष्ण को मोर पंख बेहद पसंद थे। सोशल मीडिया पर मोदी ने इसकी तस्वीरें भी साझा की जिसमें लिखा है, मैंने गहरे समुद्र में द्वारका के दर्शन किए। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था, दशकों से द्वारका नगरी के दर्शन का सपना संजोया था, मेरा सात्विक वैभव और शाश्वत भक्ति महसूस हुई। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। मान्यता है कि द्वारका नगरी को श्री कृष्ण ने बसाया, वक्त के साथ ये शहर समुद्र में समाहित हो गया। कुछ दशक पहले खोज के दौरान सच सामने आया, खोज के दौरान हजारों साल पहले के अवशेष मिले, जिससे पता चला कि द्वारका नगरी समंदर के नीचे, जो गुजरात के काठियावाड़ में अरब सागर के नीचे, जो द्वारका के समुद्र तल से काफी नीचे है। प्रधानमंत्री आज उसी स्थान पर मोर का पंख लेकर गए थे। आइए सुनाते हैं आपको, सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैं अपने साथ मोर पंख भी लेकर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। जब मैंने पुरातत्व विदों से ये जाना था तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा, समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक दर्दनाक अफसोसनाक खबर जो उत्तर प्रदेश से आई, 23 मौत हो गई हादसे में। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। 23 मौत, ट्रैक्टर पलट गया ट्रॉली के साथ, लोग परिवारों के शव ढूंढ रहे हैं। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? यह हादसा उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ, इसमें 23 लोगों की मौत हो गई है, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। यूपी के कासगंज में 23 लोगों की मौत हुई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह दुर्घटना हुई है। नगला कसा गांव के एक बच्चे का मुंडन संस्कार था, परिवार और रिश्तेदार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से यह हादसा हो गया। एक ही परिवार के 10 लोग समेत 23 की मौत हो गई। मरने वालों में एक पुरुष, 14 महिलाएं और 8 बच्चे हैं। जिस बच्चे का मुंडन था उसकी भी हादसे में मौत हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि ट्रैक्टर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, नियंत्रण खोने से ट्रैक्टर पलट गया और लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद पीएमओ ने मदद का ऐलान किया है, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50,000 की मदद देने की बात कही गई है। हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 मदद के निर्देश दिए हैं। सुनिए हादसे पर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। सत्येंद्र जी, आप चला रहे थे ट्रैक्टर? जी सर। क्या हुआ था? ट्रैक्टर की ट्राली की बैरिंग टूट गई, जब तक कंट्रोल किया तब तक वो सड़क से बाहर नीचे गिर गए। आपके परिवार में कितने लोगों की जान चली गई? हमारे परिवार में 4 की। किनकी किनकी?
मेरी माँ शकुंतला देवी, मेरी वाइफ पुष्पा देवी, लड़के की बीवी सपना देवी और मेरा नाती सिद्धू। नाती आपका कितने साल का था? 1 साल का। आप भी थे सवार उसमें? हाँ जी हाँ, हम भी थे। चलांग नहीं, मतलब जैसे गिरी है ना, तो हम तो तालाब में गिर पड़े जाके, फिर हम फिर लोगों को निकालने लगे। एक और खबर है आज की, हरियाणा में INLD के नेता की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। ये उनकी गाड़ी आप देख रहे हैं, बुलेट मार्क देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गोलियां फॉर्च्यूनर गाड़ी पर। आगे बैठे हुए, तस्वीर धुंधली की है, विचलित कर सकती है। INLD के नेता आगे बैठे थे, गोलियों से भून दिया गया। और जानकारी मिल रही है कि लॉरेंस गैंग का हाथ है इसमें, लॉरेंस बिश्नोई। अगली तस्वीर में दिखाऊं जरा, दूसरी तस्वीर दिखाई, ये उसके बाद गाड़ी आप देख रहे हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये बुलेट मार्क है, चारों तरफ गोलियों के निशान गाड़ी पर आपको नजर आ रहे हैं। अब आपको तस्वीर दिखाऊं, नेता जिनकी हत्या हुई है, ये नफी राठी, इनकी हत्या हुई है, INLD के नेता है। कैसे हत्या हुई? दरअसल वो दौरे पर थे उस वक्त, और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या करवाई। हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला के करीबी पर हमला हो गया है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में कुछ लोगों ने नफे सिंह राठी को पर ताबड़तोड़ लाठियां दागी, गोलियां दागी, और पुलिस के मुताबिक नफे राठी कार की अगली सीट पर सवार थे, तभी बदमाशों ने 40 से 50 राउंड फायरिंग की। नफे राठी के गले और कमर में कई गोलियां लगी हैं। हमले में राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है। नफे सिंह राठी 2 बार बहादुरगढ़ के विधायक बने थे, वो INLD के पुराने नेता थे और OP चौटाला के साथ भी उन्होंने काम किया। 2009 में दीपेंद्र हुडा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत नहीं पाए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता हरियाणा, सुनिए जरा। हरियाणा के अंदर कानून का राज खत्म हो गया, जंगल राज बन गया। इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा के अध्यक्ष नफे सिंह राठी और उनके साथियों की गोली मार के हत्या कर दी। इस प्रदेश के अंदर आज एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। बड़ी दुखद घटना है, और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इसे तुरंत कार्रवाई करें। STF को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।